हेलो हेलो सलाम वालेकुम सलाम भाई जी सर, लोधी साहब बोल रहे हैं ना सर? जी हाँ भाई। भाई मैं हशमत बोल रहा हूँ, चार मीनार बस स्टैंड। अच्छा अच्छा जी बोलिए भाई। अब ये चार मीनार बस स्टैंड का एक इशू है, ये चार मीनार बस स्टैंड जो है 24/1/2018 में डिसमेंटल कर दिए करके इसको जो है एक साल में जो है बताए। वो अंदर सुलभ कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर आरटीसी के जो है करीब डेली 3,000 ट्रिप होते थे जी। अब पलट के जो है आप 24/1/2018 से आप कैलकुलेशन कर लीजिए जी, 3.5 साल के ऊपर होगा। अभी जनवरी आया तो 4 साल हो जाता जी जी जी। अब वो कोने से ये कोने तक तकरीबन जो है मोबाइल मार्केट है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, पूरा बिजनेस जो है ये चार मीनार पैडी स्टेशन जो बना रहे ना जी, पार्किंग बोल के यहाँ पर बनाए। ये मल्टी लेवल पार्किंग है, ये डबल सेलर प्लस 6। तो परमिशन इसको नहीं दे रहे तो जो है ये नहीं बना सकते बोल के वैसे ही छोड़ डाले। अच्छा, अब ये पूरा अंदर जो है गार्बेज, पूरा कचरा, पूरे इलीगल एक्टिविटीज में आपको मुनासिब नहीं है बोलना, इलीगल एक्टिविटीज होते हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो अब कई वक्त जो है नुमाइंदगी कंटिन्यू हुई, जब जो है आप इनायत अली बाखरी साहब थे चार मीनार इंचार्ज, जब चेयरमैन थे, अभी लेटर्स लिए कंटिन्यू में है, अभी भी कंटिन्यू में हूँ मैं जी जी। पिछले जो है एक 6 तारीख एक महीना हो रहा समझिए, अकबर साहब को बात किया था मैं, अकबर साहब असेंबली में भी उठाए और एश्योरेंस दिए हम आपको कि बहुत जल्दी क्या है देखेंगे बोल के बताए थे। अच्छा अच्छा, कंटिन्यू है मगर पैडिस्ट्रेशन का काम अपनी तरफ से है, तो आप भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी एक्टिविटीज नहीं है टीआरएस की जानिब से जो है, सिर्फ इलेक्शन के वक्त में जो है बाहर आते अपने लोग इधर के, और उसके बाद में फिर कहीं एक्टिविटीज में नहीं है पब्लिक सोशल वर्क में, चाहे अभी पानी आने दीजिए या जो है कुछ भी होने दीजिए, कंटिन्यू में देख रहे हम जी। तो अब आपका देखा मैं थोड़ी देर पहले, कुछ प्रोग्राम था आपका शाली बंडे का जी, डिवीजन इंचार्ज को जो है को बना कर नंबर दिया था, नंबर दीजिए बोल के गवर्नमेंट ओल्ड सिटी को नेगलेक्ट क्यों कर रही है लोधी साहब। अच्छा अश्वत भाई जी, आपके पास जो भी फाइल है करस्पॉन्डिंग करे या क्या क्या आप परस्यू करे क्या क्या करे लोधी साहब? ये बस स्टैंड चले गया था, ये 1989 में पैडी स्टेशन बोल के चार मीनार को जो है जर्क हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा बोल के वहां से इसको यहाँ लाए, जब जो है रमनाचारी साहब थे कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, तफसील बता रहा हूँ समझिए आपने, तो वहाँ पर ये सामने प्रॉपर्टीज थे, तो वहाँ से लोगों को ये बताया कि भाई हमारा को एक इनगेट है आउटगेट नहीं है, आप लोग चले जाइए, हम आपको जो है लैंड टू लैंड दे देते, स्ट्रक्चर वैल्यू देते, आप बना लीजिए ये पुराने बिल्डिंगों में कब तक रहते बोल के, ठीक है बोल के रोड से 400 फीट पीछे लोग आ गए। लेकिन अब ये पलटा के जो है 2019 में जो ये एक तो 24/1/2018 को डिसमेंटल कर दिए बस स्टैंड, दूसरा जो 23/1/2019 को जो है ये 12 फीट के टीना लगा के पूरा जैसा परमिट रूम होता उस तरीके से ये जो है शराब की दुकान का उस तरीके से लगा के छोड़ दिए, और पीछे मोती गली जो रोमान होटल के बाजू में 5,912 गज जमीन है, और ये जो है 4,033 गज जमीन है। अच्छा, तो ये इसको पार्किंग बनाते बोल के वैसे छोड़े, उसको पार्किंग बनाते बोल के केटीआर साहब दिसंबर में भी आए थे। अच्छा, लेकिन अभी तक मरहूम राजशेखर रेड्डी साहब, रोशैया साहब, किरण कुमार रेड्डी साहब कांग्रेस के, फिर अब केटीआर साहब भी जो दिसंबर में आए, फिर उसके बाद इधर सराउंडिंग ओल्ड सिटी फिरे, फिर उसके बाद से कोई इधर आना ही नहीं चाह रहे, तो ओल्ड सिटी को क्या मतलब जो है कई को ऐसा नजरअंदाज कर रहे हैं। अब देखिए आप नाइट बाजार वहां पर टैंक बैंड पे आज भी चल रहा, 18 करोड़ बोल के सैंक्शन हुए। प्रीवियस गवर्नमेंट कांग्रेस भी और टीआरएस भी ये बोली थी कि जो है चार मीनार को और लाल बाजार को जो नाइट बाजार बनाएंगे बोल के, टीडीपी गवर्नमेंट में भी ऐलान हुआ था जी। तो फिर ये कब तक ऐसा, फिर आप लोग क्यों नुमाइंदगी नहीं कर रहे, यानी आप लोगों को जो है हैंडकफ डाल के रख दिए कि आप लोग कुछ भी ना बोलना ना मुंह को जो है आपको आप लोगों को प्लास्टर लगा दिए, या फिर आप लोग डाल दिए कि भाई आप कुछ भी नहीं बोलना, खाली हम इलेक्शन में बुलाए तो जो है इलेक्शन में आना जिंदाबाद बोलना चले जाना का है क्या? पुराने शहर में हर चीज़ को जो है जो नज़रअंदाज, कोई भी आपके कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम देखते कि कहीं से भी कोई चाहे चंद्रन गुट्टा होने दीजिए, चार मीनार या खुदपुरा, सिर्फ आप लोगों के पर्सनली प्रोग्राम्स होते तो उसमें आप लोग एक्टिव रहते, मत मानिए आप मैं बोल रहा हूँ बोल के नहीं, आप जो है बिल्कुल
नहीं बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात पे। आप लॉकडाउन में महमूद अली साहब जब जो फर्स्ट डिजास्टर जो है टीम आई थी जो है जब पानी वगैरह छिनक रहे थे तो जब आप आए थे देखिए आप फिर उसके बाद से कहीं जो है कोविड में है ना जो है किसी चीज में मैडम के पीए को पीए साहब को और पलट के जो है केटीआर साहब को सारे जनों को हम जो है इसको ट्वीट किए हुए है मगर कोई भी इशू पे टीआरएस जो है क्यों आकर आगे नहीं आ रही ओल्ड सिटी को डेवलपमेंट को। अब देखिए आप उस्मान नगर का भी वैसी इशू है पलटुमा ब्रिज पेंडिंग है बहादुरपुरा ब्रिज पेंडिंग 6 महीने में देते बोले 6 महीने में जाके जो है मार्च से जो है 6 महीने कब खत्म हो रहे 2 महीने आगे 8 महीने हो गए जी। अशरफ भाई जी आपकी पूरी बात मैं सुना समझा और मुत्तफिक भी हूँ मैं आपकी बात से और आपकी जो शिकायत है खाली अपने प्रोग्रामों में दिखते वो भी दुरुस्त है आपकी बात। आप जरा पहली बार आप में बात करें आपके पास जो भी करस्पॉन्डिंग है मसाइल के प्रॉब्लम के जरा वो आप पूरे लेके एक बार में से मिले तो आप में बैठ के बात करेंगे। आपको कहीं करें तो ये बोले कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन खाली रिमूव ऑफ टीन शीट पहले आप रिमूव करा दिए तो जो कौन कौन बात करे लोगों का कारोबार साहब यहाँ डिपो के अंदर खुबा मोबाइल बल्कि खुली थी। अच्छा वो बिल्कुल बेचारे जो है 2-3 महीने में बंद कर दिए करीब करीब हम सुने के 20 लाख रुपए का लॉस हुआ उनको बल्कि जी जी जी। तो अगर ऐसा लॉस हुआ तो पहले लॉकडाउन उसके बाद में जो है लोग इतना बिजनेस लगा के पहले लोगों को जो है मुस्लिम को किसी भी फंडिंग की कहीं से भी जो है चांसेस नहीं है। नहीं आप जो बिल्कुल बोल रहे हैं 2 साल से पेंडिंग है पूरा जो है माइनॉरिटी का जो है पूरा जो है रुका हुआ है स्कॉलरशिप्स रुके हुए हैं 2000 करोड़ बजट है मगर जो है सब्सिडी जो लोन्स आते हैं अगर 1 लाख का लोन लिए तो जो है 50,000-40,000 सब्सिडी आता 60,000 बनना रहता उस पर कोई नुमाइंदगी नहीं है दूसरे इश्यूज पे नुमाइंदगी नहीं है सेक्रेटरीट के मस्जिद पे वैसी पेंडिंग है अभी अभी यहाँ का कुत्ता पेट की मस्जिद का वैसी आ रहा पेंडिंग तो इसको आकर क्या वो करना चाह रहे टीआरएस गवर्नमेंट जो है क्या असेंबली में तो जो है बहुत बुलंद दावे हो रहे मगर जो है एक्शन ऑफ कुछ भी नहीं हो रहा प्रैक्टिकल ओनली पेपर पे हो रहा वर्क। मेयर मैडम फलकनुमा को आए मगर चार मीनार आज तक जो है 4 मीनार को नहीं आए उन्होंने ऑफिशियल विजिट नहीं करे उन्होंने सीएम साहब बोल रहे हैं पीएम साहब बोल रहे हैं यहाँ पर जो है मतलब जो है शौचालय बनाओ टॉयलेट यहाँ एक शौचालय टॉयलेट था उसको डिसमेंटल कर दिए लोधी साहब। चार मीनार गुड जो टूरिस्ट आ रहा कहाँ कर रहा मालूम आप विजिट अगर करें तो आप देख लिए और बस स्टैंड के अंदर एक 15 मिनट आप ठहर के तो मान लेता हूँ मैं आपको उतनी गंदगी और उतना कचरा है तो उतना नाम हो रहा हैदराबाद का पुराने शहर का जी। कब देते बोले तो मैं या नहीं आप आते बोले तो मैं बिल्कुल यहाँ चार मीनार बस स्टैंड में रहता हूँ। अच्छा हमारे अश्वन भाई जी आप जो भी करस्पॉन्डिंग हुई अब तक आपकी आप मैं दे देता हूँ आपको आपको अभी भेज देता हूँ भाई 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 2007 में हम जो है आपके ह्यूमन राइट में केस डाले थे वो भी जीते जब जो है ए के खान साहब एडिशनल कमिश्नर थे जीएचएमसी कमिश्नर संजय जाजू साहब थे और केवी कृष्णा राव साहब जो है वाइस एमडी थे तो ह्यूमन राइट उनको डायरेक्शन दिया तो वो जो है बी बाजार से पैदल पूरा चार मीनार बस स्टैंड तक आए आके बोले के जो है ये जो है फीजेबल प्लेस है यहाँ बस स्टैंड रख सकते। फिर 2008 में हैदराबाद एमपी साहब जो है चेयरमैन आरटीसी को और जो है आरएम को जो है लेटर दिए थे कि जो है मेरे को लॉट ऑफ जो है कंप्लेंट्स आ रहे हैं आप बी बाजार से साहब आया जो है अकन्ना मादन्ना शालीमंडा हरिबोली से नई रोड से मत जाइए बल्कि आप फेरी स्टेशन मोगलपुरा पैरेस कॉर्नर इनसाइड चार मीनार बस स्टैंड से बसेस लेकर जाइए वाया टू शालीमंडा बल्कि। फिर अभी 2018 में जो है ये नया प्रपोजल आया कि जो यहाँ से बस स्टैंड शिफ्ट टू फारूक नगर क्या अगर एक बस स्टैंड जो है बनता है तो दूसरे को बर्खास्त कर देते क्या सर और डेवलप करते ना एक ने आप 10 लिए नो प्रॉब्लम। अब देखिए फलकनुमा ब्रिज के नीचे फारूक नगर उतना बड़ा बस स्टैंड बना है मैं समझता हूँ लाखों ने करोड़ों में बनाए होंगे लगाए होंगे क्या फ़ायदा हो रहा बोलिए आप वहाँ से क्या सहूलत हो रही लोगों को और जो रोड वाइंडिंग है पुराने शहर की चार मीनार टू फलकनुमा फर्स्ट रोड वाइंडिंग 1970 का प्लान शायद आपकी नॉलेज में होगा या नहीं है वो भी पेंडिंग है मेट्रो तो 7 साल में जो है गवर्नमेंट अपनी जो है ओल्ड सिटी को
भाई को कर रहे हैं। अच्छा अशोक भाई जी, एक बार मुलाकात करेंगे, आपकी जो करस्पॉन्डिंग है, आपकी जो करे हुए वो लेके आप में बैठेंगे, मैं अपने लेवल में जो हो सकता आपको साथ लेके करने के लिए तैयार। मेरे को नहीं, मैं एक जो है पार्टी जो है टीआरएस को जो हो एलिगेशन। भाई साहब जोर है ना साहब, भाई साहब मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, आप एक बार आप नहीं मिले तो किसको जो है, कब टाइम देते भैया, मैं बराबर आपको जो है टाइम से। हाँ, किसको नुमाइंदगी करना है, कैसा क्या करना है, एक बार आप में बैठ के बात करेंगे, उसके बाद में फिर जो है। भाई भाई आप पुरानी हवेली पे रहता हूँ मैं। पुरानी हवेली पे कहाँ है आपका मकान? ये अपना आप किधर से आते हैं? अगर आए तो मंडी से आते हैं, मंडी से आ रहा हूँ समझिए आप। बस 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 इकबाल होटल का चौरस्ता आता है जी, इकबाल होटल का चौरस्ता है, मंडी से आते हो जी, इकबाल होटल राइट लेफ्ट को मिलकर छत्ता बाजार की तरफ जाना जी, थोड़ा आगे जाते सक्सेस स्कूल है, सक्सेस स्कूल है जी, बस सक्सेस स्कूल वर्रा आगे आ जाओ, वही मेरा मकान है, ऑफिस भी है नीचे ही मेरी, अपन अब करेंगे पब्लिक के काम ही करना है मेरे को जी। तो कब आऊं आप, कब का टाइम बोलिए, कल परसों? हाँ कल कल मिलेंगे अपन, मैं आपको फोन कर लेता हूँ, मैं ठीक है, अच्छी बात है, मैं आपको कर लेता हूँ, मैं ये नंबर आपका सेव कर लेता हूँ, कर लेता मैं आपको फोन कर लेता हूँ भाई। अच्छी बात, ठीक है, ओल्ड सिटी को थोड़ा डेवलपमेंट कैसे भाई, आप मिली आप मिले बात जी, काफी चीजें पे डिस्कस करेंगे। ओके, ये बहुत जो है बहुत बड़ा इशू है सर, ये आप अपन मिलके डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जी, अच्छी बात है, ठीक है।